इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरटीएस बिल को लेकर निजी अस्पतालों की हड़ताल वापस हो गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लगातार गतिरोध जारी था, लगातार आंदोलन जो है वो डॉक्टर्स का देखने को मिल रहा था आरटीएस के विरोध में, लेकिन निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही लगातार खबरें आ रही हैं और गतिरोध की बातें भी होती रही। कहा गया एक धड़ा संतुष्ट है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है, निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ली है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। एक बड़ी राहत तमाम लोगों के लिए जो इलाज के अभाव में परेशान थे, अब उन्हें इलाज मिल पाएगा। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए। शशि, क्या आप मान लिया जाए ताबूत की आखिरी कील ठुक गई है, हड़ताल वापस हो गया है, कहानी खत्म, पैसा हजम? नहीं, देखिए यह तो नहीं कहना होगा ना तो इसे ताबूत कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि डॉक्टर्स का जो आंदोलन चल रहा था वो एक मुकाम पर पहुंच गया है। बहुत सम्मानजनक तरीके से डॉक्टर्स की बात भी रह गई और सरकार की जो प्रतिष्ठा की बात थी, सरकार का जो मैंडेट था कि आरटीएच लागू किया जाना है प्रदेश में, वो भी हो गया है। अब जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान यूनिट ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें डॉक्टर सुनील चुग, डॉक्टर पीसी गर्ग और डॉक्टर एनके अग्रवाल की सहमति है। इस सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि राजस्थान सरकार के साथ में जो एक एमओयू सहमति पत्र दस्तखत किया गया है जिसमें आईएमए राजस्थान यूनिट है, उपचार है, पीएचएनएचएस है और आरटीएच के संदर्भ में जो सर्कुलर जारी किया गया था, जो एक्सक्लूजन किया गया है आरटीएच के दायरे से बाहर किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, इसमें तकरीबन 97 से 98 प्राइवेट हॉस्पिटल आरटीएच के दायरे से बाहर हो जाते हैं। आईएमए राजस्थान ने इस पर संतोष जताया है और सर्वसम्मति से यह तय करने की बात जारी करते हुए सर्कुलर इन्होंने कहा है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ की जाती है, हड़ताल वापस ली जाती है। और आप देखिए, हड़ताल स्थगित करने की बात नहीं कही है, हड़ताल खत्म करने की बात कही है। बहुत महीन सी लाइन होती है, लेकिन अब 4 अप्रैल 8 बजे से रात 8 बजे से हड़ताल कॉल ऑफ कर ली गई है, यानी रात 8 बजे से सेवाएं सुचारू हो गई हैं। और हम देखेंगे कि ये बात सही है कि आज रैली थी, डॉक्टर्स लोग रैली में आए थे, थके हुए होंगे, लेकिन कल सुबह से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल सुचारू तरीके से लगेंगी और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो आरटीएच के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सभी खुल जाएंगे, सभी में लोगों को ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे 8 बजे शशि, तो उसमें जो डॉक्टर साहब थे कुलदीप जी, वो ये बार बार कह रहे थे कि ये जो तरीका सरकार का रहा है हम उस तरीके से संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई गई, हमको अलग थलग कर दिया गया और बड़े ही स्मार्टली इसको समझौते को हस्ताक्षर करा लिया गया, अब ये वाला जो धड़ा है ये सहमत नहीं है। अब वो लगातार ये कह रहे थे कहीं ना कहीं कि गाहे बगाहे उनका आंदोलन जारी रहेगा, तो इस धड़े को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? देखिए, आईएमए जो बॉडी है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और उसका राजस्थान चैप्टर, यानी वो पेरेंटल बॉडी की तरीके से काम करता है, और जब आईएमए के राजस्थान चैप्टर ने सहमति दे दी है हड़ताल कॉल ऑफ करने पर, तो सभी को सहमत होना होगा, और अगर कोई सहमत नहीं है तो वो इक्के दुक्के लोग होंगे। और क्या जब डॉक्टरों का समूह सरकार पर दबाव बनाने में 18 दिन ले चुका है, तो क्या इक्के दुक्के हॉस्पिटल छोटी संख्या में सरकार पर हड़ताल करके या किसी तरीके से विरोध जता करके दबाव बना पाएंगे? उनको भी बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। और खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री कहते रहे हैं, चिकित्सा मंत्री या मुख्य सचिव कहती रही हैं कि अभी नियम नहीं बने हैं, जो राइट टू हेल्थ के नियम है वो जब बनाए जाएंगे सरकार उनका स्वागत करेगी, डॉक्टर्स का, उनके प्रतिनिधियों का, और ये भी कहा गया है कि आईएमए के प्रतिनिधि भी तब रहेंगे और जो वो सुझाव देंगे उन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जो सुझाव मानने लायक थे वो पहले भी सहमति जता चुके थे, अखिल अरोड़ा और उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है उनके साथ बातचीत हुई, उसमें अभी भी कोई अगर ऐसी बातचीत होती है तो नियम बनाते समय उनकी भावना का, उनकी बात का ध्यान रखा जाएगा और उसको पूरी तवज्जो दी जाएगी। ठीक है जी।
ठीक है शशि, सुनील चुग साहब जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चुग साहब, क्या मान लिया जाए कि आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और कल से डॉक्टर जो है वो काम पर लौटेंगे और प्रदेश की जनता को इलाज मिल पाएगा? चुग साहब, हमारी IMA की स्टेट वर्किंग कमेटी की जूम मीटिंग हुई थी दोपहर को और यूनैनिमसली सबने डिसाइड किया कि आज रात को 8 बजे से स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया है। तो सर, बात कहां फंस रही थी और ये बात आज जाकर कैसे सब चीजें कॉल्ड ऑफ हुई, मैं जानना चाहूंगा कि आप बता दें दर्शकों को, क्योंकि असमंजस की स्थिति